फ्रेंड्स, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। हेलो सब, तो ये देखिए आज सुबह से शुरू हो गया है मेरा। तो आज मैं दिखाऊंगी अपना सुबह का रूटीन। तो मैं डाल रही हूँ पेड़ों में पानी, क्योंकि अब गर्मियाँ बहुत तेज़ होने लगी हैं, धूप भी बहुत तेज़ होने लगी है। तो अब मैं अगर एक दिन भी पानी ना डालो तो समझ लीजिए कि आप दो चार प्लांट मुझे शाम तक सूखे ही मिलेंगे, इतनी तेज़ धूप होने लगी है। तो ये देखिए मैं डाल दूँगी पानी, और सुबह से झाड़ू वाड़ू लगा चुकी हूँ, उसके बाद मैंने पानी डालना शुरू किया। क्योंकि अगर पहले पानी डाल देती हूँ तो यहाँ गीला हो जाता है, फिर झाड़ू नहीं लगाते बनती है। तो पहले, और ये छत पे कुछ प्लांट रखे हुए थे तो छत पे भी मैं रोज़ आती हूँ पानी डालने के लिए। तो अब इनको नीचे लाना है, लेकिन रोज़ भूल जाती हूँ, रोज़ सोचती हूँ नीचे ले जाऊँ फिर भूल जाती हूँ मैं। तो एक काम ये रहता है कि फिर ध्यान से ऊपर जाना पड़ता है, और यहाँ पे तो छत की तो बात ही अलग है, कितनी धूप होती है। लेकिन ध्यान से मैं पानी डाल देती हूँ, और शाम को जाती हूँ तो शाम को भी डाल देती हूँ। और ये चाइनीज घास है, मैं इसको इतने ही इसी नाम से जानती हूँ, क्योंकि मैंने जब ख़रीदी थी तो उसने मुझे नर्सरी वाले ने इसका नाम चाइनीज घास ही बताया था। तो मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ, क्योंकि ये ऐसे मतलब ऐसे ऊटपटांग सी फैली हुई है, तो मैं इसको एक सा कर दूँगी। और मैंने आपको एक और दिखाया था प्लांटर, तो उसमें लगी हुई है, तो मैंने उसकी कटिंग करी थी तो बहुत ही प्यारा लगने लगा था बहुत। तो अब मैं इसकी कर दूँगी तो ये भी बहुत अच्छा लगने लगेगा। और इसका जो प्लांटर है इसको भी मुझे पेंट करना है, क्योंकि इसका पेंट ख़राब हो गया है। छत पे रखा था तो छत पर ज़्यादा ही धूप होती है तो ख़राब हो गया है वैसे, और वाइट पहले से ही वाइट था। तो अब मैं इसकी कटिंग करने के बाद अब इसकी कल पकड़ा दूँगी बच्चों को, तो वो कर देंगे वैसे। तो कटिंग होने के बाद ये वाले घास बहुत ही अच्छी लगने लगती है, और मैंने दो प्लांटर में लगी है मेरे, और तो दो की कर चुकी हूँ। ये तीसरी छत पे थी तो ये मैं अब नीचे उठा लाई हूँ, तो मैं इसकी भी कटिंग कर दूँगी और कायदे से, तो ये भी बहुत सुंदर लगने लगेगा। और मैं इसको फिर इसके बाद मैं इसको रख दूँगी और फिर देखूँगी अपना। ये देखिए आज बना रही हूँ मैं कटहल की सब्ज़ी, तो कटहल बना रही हूँ और ये मसाला तैयार कर रही हूँ। तो मैंने इसमें प्याज और लाल मिर्ची डाल दी है, और मैं डाल दूँगी उसमें अदरक और टमाटर, लहसुन, ये देखिए। तो ये सब बेसिक सा मसाला है, हर कोई डालता है, सब इसी मसाले से सब्ज़ी बनती है सब के यहाँ। तो ये मैं मिक्सी में पीस लूँगी। हाँ, बस ये वाला जो हरे वाले धनिया है, ये मैंने बिल्कुल हरी थी तब मैं सुखा दी थी, और वो भी धूप में नहीं सुखाई थी, अंदर सुखाई थी, तो इसमें अभी भी बहुत अच्छी खुशबू है। तो ये मैं ज़रूर डाल देती हूँ थोड़ी सी। तो मैं इसको पीस लूँगी, और मैंने अब ये ऑयल गर्म हो रहा है तो अब मैं इसमें डाल दूँगी जीरा। जीरा नहीं डालूँगी, पहले मैं इसको फ्राई करूँगी कटहल को, क्योंकि कटहल को बगैर फ्राई करे बनाओ तो वो अच्छी नहीं बनती है। तो मैं हमेशा से इसको फ्राई कर लेती हूँ, और बस थोड़ा सा बस यही है कि ऑयल ज़्यादा हो जाता है सब्ज़ी में खाने में। और ये मसाला मेरा पिस चुका था, तो इसमें क्या है, ये इस टाइप की सब्ज़ियाँ होती हैं, जैसे कुछ सब्ज़ियाँ ऐसी होती हैं कि बगैर फ्राई करे अच्छी नहीं लगती हैं, तो बनानी पड़ती हैं, और वैसे बस ऑयल ज़्यादा हो जाता है। और अब मैं कर रही हूँ थोड़ा सा ये यहाँ पे, इसमें खिड़की में क्या है कि बहुत ही डस्ट जमा हो जाती है, काफ़ी दिन हो गए थे मैं सफाई किए, तो मैंने सोचा चलो दोबारा से कर दूँ। और मैं इसके कवर बदल दूँगी, क्योंकि इनके बहुत गंदे हो गए थे, और ये इसी पे बैठते हैं तो ये हो ही जाते हैं, हफ्ता भर एक दो हफ्ते में बदलने ही पड़ते हैं। मैं तो दो एक बदल देती हूँ दो हफ्ते में। तो ये मैं दूसरा बिछा दूँगी, और वो वाला धुलने को डाल दिया है मैंने, और अब इसी पे पूरा दिन बैठना है बच्चों को, और यहीं पे बैठ के टीवी देखते रहते हैं। ये देखिए वो बैठ गए, उन्हें चैन ही नहीं रहा कि थोड़ी देर लगा रही थी मम्मा तो लगा देने देते। और ये देखिए, ये उधर मैं वो कर रही थी, और इधर मेरा किचन में ये भी मैं धीमी आंच पे बिल्कुल सिम गैस करके और इसको ढक के चली गई थी,
तो वहाँ पे काम देखती रही, क्योंकि एक जगह तो नहीं खड़े हो सकते हैं किचन में कि अब यहाँ पे है तो यहीं पे खड़े रहें। तो ये फ्राई हो चुकी है और बिल्कुल से पक चुकी है। अब इसको हमें कुछ ज़्यादा देर तक पकाने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि वो अब मैंने डाल दिया है जीरा इसमें, और जीरा के बाद अब मैं डाल दूँगी जो मसाला मैंने पीसा हुआ था मिक्सी में, तो वो मसाला डाल दूँगी। और फिर मैं ऊपर से भी कुछ थोड़ी सी धनिया हल्दी और डाल दूँगी, और मिर्ची नहीं डालूँगी क्योंकि मिर्ची इसमें मैंने लाल वाली पीस ली है, तो मिर्ची नहीं डालूँगी मैं ऊपर से, फिर ज़्यादा हो जाएगी। और मैं बाद में वॉइस ओवर दे रही थी तो मिर्ची हो ही गई थी, थोड़ी सी तेज़ हो गई थी मिर्ची। तो ये देखिए मैं इसको भून लूँगी, और भूनने में काफ़ी टाइम लगता है, अच्छे से मसाला भून जाए तो इससे अच्छा आता है। ये देखिए मैंने हल्दी डाल दी और धनिया भी डाल दी है पिसा, धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर और नमक, ये चीज़ें मैंने अभी बाद में डाली हैं। और इसके बाद मैं डाल दूँगी थोड़ा सा कश्मीरी मिर्च का पाउडर, क्योंकि कलर थोड़ा सा अच्छा आ जाता है उससे और तीखापन उसमें बिल्कुल नहीं होता है। ये देखिए, और मैं थोड़ा सा अपना घर का जो कुटा हुआ मसाला है वो भी डाल दूंगी, क्योंकि ये वाला जो मैं डाल रही थी तो फिर मैंने देखा वो निकल नहीं रहा था, तो मैंने देखा तो वो शायद ख़राब हो चुका था। तो अब मैं अपना घर का जो मैं खुद बना के रखती हूँ ये देखिए, तो ये वाला डाल दूंगी। और मैं ये वाला मसाला आप इतना सा भी डाल दें अगर थोड़ा सा तो बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। और ये देखिए, तो अच्छे से मसाले को भूनना है, और मसाले का भूनना ही मेन होता है इसमें सब्जियों में। अगर अपना मसाला अच्छे से भून गया तो सब्जी का टेस्ट बहुत अच्छा होगा, और अगर मसाला नहीं भून पाया है तो सब्जी में मज़ा नहीं आएगा फिर। तो ये देखिए मसाला भून चुका था, तो मैंने इसमें वो डाल दिया है कटहल जो मैंने फ्राई करके रखा हुआ था, बस अब इसको हमें मिक्स कर देना है। तो जो सूखा खाते हैं जिसको रसा वाला पसंद नहीं होता है, वो इसी स्टेज पे थोड़ा सा चला के ढक 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 देंगे 2-4 मिनट के लिए, तो रेडी हो गई है। और जो लोग रसा वाली सब्जी खाते हैं तो उसमें पानी डाल के खौला लेंगे। तो मैं क्या है कि थोड़ा सा निकाल के रख दूँगी बिट्टू के लिए, क्योंकि वो रसा वाली नहीं खाती है। और फिर इसके बाद मैं इसमें पानी डाल दूंगी और ढक दूंगी धीमे आंच पे, थोड़ी देर खोलाऊंगी उसको। और ये देखिए, और संयोग भाई छत पर खेल रहे हैं बॉल, तो ये बार बार आवाज़ आएगी अगर आपको तो इग्नोर करिएगा। बन के रेडी हो गई है, ये देखिए सब्जी मेरी एक तैयार हो गई है, और अब बस इसमें हरा धनिया डालने की देर है, तो हरा धनिया डाल दूंगी और इसके बाद इसको बंद कर दूंगी गैस को। ये देखिए, तो इस तरीके से बनाती हूँ मैं सब्जी। अब आप लोग किस तरीके से बनाते हैं कमेंट करके बताइए। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो आज की वीडियो में मैंने दिखाया सुबह का रूटीन, कल दिखाया था शाम का रूटीन, तो देखिएगा, देखा होगा आपने क्योंकि, और स्कूल फिर से बच्चों वाले बच्चों की स्कूल फिर से बंद हो गए हैं, तो ये बहुत ही चिंता का विषय है सबके लिए, क्योंकि बच्चों की बहुत ज़्यादा पढ़ाई बर्बाद हो रही है। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है क्या करें, बच्चे घर पर नहीं पढ़ते हैं, चाहे जितनी कोशिश कर लो उतने अच्छे से नहीं पढ़ते हैं वो, क्योंकि घर पे कितना चिल्लाएंगे आप, कितना वहाँ पे पढ़ाई का ही माहौल होता है, तो स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं और घर पे तो बस उनको टीवी दिख गई या मोबाइल दिख गया तो फिर तो उन्हें पढ़ना ही नहीं है, भले ही पिट जाए पढ़ने से घर पे नहीं उतनी पढ़ाई हो पाती है, तो थोड़ा सा टेंशन लगता है कि बताइए। और वो तो बिट्टू तो 9th में गई है, तो उसका तो खुलना ही चाहिए, भले ही छूट उसका बेटे का ना खुले, लेकिन उसका भी बंद करके रखा है अभी उन्होंने, तो अभी तो फिलहाल बंद हो गया है, तो पता नहीं कब खुलना है, क्या होना है, कुछ समझ में ही नहीं आता है। तो आज दोपहर में मैंने सूट नहीं किया है, मैंने सिल ली थी माता रानी की, दुर्गा जी की जो है दो पोशाक सिली थी मैंने,
और शुरू कर दिया मैंने, क्योंकि फिर अब क्या है 13 तारीख से नौ दुर्गा स्टार्ट होंगी, तो 13 से फिर हम हमारे घर में वो नहीं करते हैं सिलाई वगैरह, तो इसलिए मुझे पहले से ही सिल के रख देना है। तो मैंने आज 2 पोशाक तो उनकी सिल दी है, बस 2 ही सिलती हूँ, क्योंकि एक पहले दिन पहना दी जाती है उनको, और फिर पंचमी को दूसरी पहना देते हैं, या अष्टमी को, या ऐसे पहनाते हैं, तो 2 बना दी मैंने, तो वो मैं दिखाऊंगी आपको। बहुत ही प्यारी बनी है, अभी वही वो कह के गई है बिट्टू की मम्मा ऐसी, तो हम लोग मार्केट से खरीदते तो अभी नहीं मिलती, तो मैंने सिल ली है। अब कुछ मैं अपना ये छोटा मोटा काम जो है मैं खुद ही कर लेती हूँ सिलाई का। तो कुछ लोगों का क्या है कि कुछ लोग अगर बहुत ज्यादा हाई फाई लोग होते हैं तो उनको ये भी एक लो क्लास का काम लगता है कि सिलाई करेंगे हम खुद करेंगे, मतलब थोड़ा सा कुछ लोगों का ऐसा सोचना होता है। और लेकिन मुझे ऐसा कोई काम छोटा नहीं लगता है, क्योंकि जो काम हम खुद कर सकते हैं वो काम वो दूसरा नहीं कर पाएगा। जैसे कि मुझे जो चीज जैसी चाहिए होगी मैं वैसी बना तो लूंगी, लेकिन अगर मुझे जो चीज मेरे दिमाग में है कि मुझे ऐसी चाहिए, तो जरूरी नहीं है कि वो मार्केट में मिल जाए। तो इसलिए मैं हमेशा यही सोचती हूँ, और इससे भी कहती हूँ अपनी बेटी से भी कि खुद करना सीखो, किसी पे डिपेंड मत रहो। और ये चीजें बुरी नहीं होती हैं कि हम आप मान लीजिए हमारे बच्चों के कपड़ों की सिलाई खुल गई, तो इतना तो मुझे नहीं लगता है कि कोई ऐसे नॉर्मली इतने पैसे वाले या रईस होते होंगे कि अगर सिलाई खुल गई तो फेंक दिए कपड़े, उन पर सिलाई दोबारा। और फिर जो रेडीमेड कपड़े होते हैं उनकी सिलाई बहुत ही कच्ची होती है, और वो मतलब मैं तो ये कहती हूँ कि जैसे नए कपड़े आते हैं तो मैं उनमें पहले से ही सिलाई डाल देती हूँ ताकि वो फटे ही ना, क्योंकि अगर वो एक बार उनकी सिलाई खुल गई तो फिर दोबारा से रखना है ही, तो पहले ही रख दिया। ज्यादातर मैं अपने सूट वगैरह हैं ये मैं ऐसे ही करती हूँ, पहले से ही पूरे में कच्ची सिलाई होती है उसमें रेडीमेड में, तो सिल लेती हूँ, तो उसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है। लेकिन कुछ लोगों का होता है ऐसा कि उन्हें शर्म आती है, और फिर अगर इतना सा भी काम होता है तो इसके उसके यहाँ लिए फिरते हैं कि हमारा ये कर दो हमारा वो कर दो। तो कम से कम मेरा इतना तो नहीं है कि मैं किसी के, और इतने से काम के लिए अगर मेरी मैं कहीं जा रही हूँ अर्जेंट में, मेरा कोई ब्लाउज है और वो ढीला हो गया है या टाइट हो गया है, तो मैं अपना इतना तो है मेरे मैं कि कर लूंगी खोल के या वो, फिर ऐसा तो नहीं है कि फिर लिए फिर रहे हैं इसके यहाँ उसके यहाँ, या फिर हमारा जो मैंने मान लीजिए जो मैंने सोचा है कि मुझे ये वाला पहनना है और उसमें कुछ गड़बड़ी निकली तो फिर पूरा प्लान चौपट हो जाएगा। तो मैं किसी भी काम को छोटा नहीं समझती हूँ, अपने घर का काम है और अपना काम है। अगर हमारे बच्चों के कपड़े मान लीजिए बटन टूट गया है या सिलाई खुल गई है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि हम खुद अगर कर देते हैं तो गंवार हैं और हमें मतलब लो क्लास के हैं इसलिए ऐसा कर लेते हैं। तो फटे कपड़े पहनने से बच्चे फटे कपड़े पहन के बाहर निकल जाएं घूमें, उससे अच्छा है कि हम माँ खुद का अपना सिल ले, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। तो मुझे इसलिए मैं अपना ये सब काम कर लेती हूँ निपटा देती हूँ। और तो मैंने अपनी जो दुर्गा जी की जो पोशाक सिली है वो आपको मैं दिखाऊंगी, और आप लोग बताइएगा कि कैसी सिली है, क्योंकि मेरे जो दिमाग में होता है कि मुझे ऐसी चाहिए तो फिर मैं वो तो मैं खुद बना सकती हूँ, लेकिन वो जरूरी नहीं है कि मार्केट में मिल जाए। और हमारे यहाँ पे ये भगवान की जो पोशाक होती है इसका मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है, और बस लड्डू गोपाल की जो है वो मिल जाती है, लेकिन दुर्गा जी की या और थोड़ी सी बड़ी अगर बड़ा साइज करें तो फिर नहीं मिलती है। तो इसलिए मुझे मैं सिल लेती हूँ, और कुछ मैं अपने हिसाब से जैसे मुझे डिजाइन अगर अच्छी लग रही है, मैंने कुछ सोचा है कि यार इस बार मैं ऐसी बनाऊंगी तो मैं खुद कर लूंगी, मुझे जरूरत नहीं है कि मैं मार्केट से खरीदूँ।
वैसे अगर खरीदना होता तो मैं जाती रहती हूँ, तो वहां तो मिल ही जाती है, यहाँ पे नहीं मिलती है तो। लेकिन मैंने नहीं ली थी क्योंकि मैं लाई थी उनके लिए अलग से एक कपड़ा मैंने लिया था, और फिर उसी कपड़े से और लेस वगैरह मैं भी सब कुछ लाई थी, तो मैंने तैयार की है। अब मैं उसको कल के वीडियो में दिखाऊंगी, शायद आज के वीडियो में शायद नहीं दिखा पाऊंगी क्योंकि आज के एडिट हो चुका है, उसके बाद मैंने सिली है। तो अब मतलब जितना वीडियो है जितने उसमें वो बड़ा हो जाएगा, और वैसे भी बहुत कम ही लोग देखते हैं, फिर और कम देखेंगे बोर हो जाएंगे, इसलिए मैं कल की में दिखाऊंगी। तो आज का वैसे भी 7 मिनट का तो बोलना ही हो गया है। तो बाय बाय फ्रेंड्स, मिलेंगे कल के व्लॉग में, और चैनल को सब्सक्राइब कर ले।